नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल में मालगाड़ियों के सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे बीओबी आर वेगन के बारे में, जो कि हॉपर वेगन का ही एक प्रकार है। इससे पहले हमने जाने थे हॉपर वेगन के कुछ प्रकार के बारे में, जिसमें हमने जाना था बीओबी एस एन वेगन, बीओबी आर वेगन। यदि हम बात करें बीओबी आर वेगन और बीओबी आर एन वेगन, जो दिखने में एक समान है लेकिन उसकी डायमेंशन में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि बीओबी आर वेगन और बीओबी आर एन वेगन दोनों में मुख्य क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीओबी आर एन वेगन का फुल फॉर्म क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने वेरिएंट होते हैं, या फिर कहें कि बीओबी आर एन वेगन का जो ब्रेक सिलेंडर का डाया कितना होता है, उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, उसमें जो व्हील्स लगी होती हैं उसका डायमीटर कितनी होती है, उसमें कौन सी बोगी उपयोग की जाती है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, या फिर कहें कि उसके जो वेट अरेंजमेंट है, जो टेयर वेट है, पेलोड है, ग्रॉस वेट है, वह कितना है, या फिर कहें कि उसकी स्पेसिफिकेशन या फिर जो डायमेंशन होती है वह कितनी कितनी होती है। कहने का मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। बीओबी आर वेगन को डिजाइन किया गया था 1991 में। इसे मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ बीओबी आर वेगन कहा जाता है, मतलब यह बीओबी आर वेगन का मॉडिफिकेशन वर्जन है। और बीओबी आर एन वेगन में उसे मॉडिफिकेशन करके उसके जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर दी गई थी। तो आगे इस डायमेंशन वाले सेक्शन में इसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानेंगे। हॉपर वेगन का जो वेगन कोड होता है वह होता है 70 से 79 के बीच में, लेकिन जो बीओबी आर वेगन का जो कोड होता है वह होता है 72। अब हम समझते हैं बीओबी आर वेगन का फुल फॉर्म क्या होता है। बीओबी आर वेगन का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बोगी ओपन बॉक्स ऑटोमेटिक रैपिड बॉटम डिस्चार्ज विथ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। कहने का मतलब है कि इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। मेंटेनेंस में इसके पीओएच, कहने का मतलब है कि पीरियड ओवर हॉलिंग, और आरओएच मतलब रूटीन ओवर हॉलिंग किया जाता है। पीओएच किया जाता है 6 साल में, और जो इसकी आरओएच की जाती है वह की जाती है 2 साल के अंतराल में। इसमें एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है जो इसके कन्वेंशनल बोगी में उपयोग होने वाले एसएबी के बारे में, कहने का मतलब है सेल स्लेक एडजस्टर बैरल के डायमेंशन के बारे में होता है। एसएबी में दो प्रकार के डायमेंशन होती हैं, पहला होता है ए डायमेंशन और दूसरा होता है ई डायमेंशन। बीओबी आरएन का जो ए डायमेंशन होता है वह होता है 27 + 2 - 0, और इसकी ई डायमेंशन होती है वह होती है 555 + 20 - 0। अब हम बात करते हैं इसके व्हील की डायमीटर की। इसके नए साइज में व्हील की डायमीटर होती है वह होती है 1000 mm, और कंडमिंग कंडीशन में इसके व्हील का डायमीटर होता है वह होती है 906 mm। 906 mm के बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसके ब्रेकिंग सिस्टम में एयर ब्रेक सिस्टम उपयोग की जाती है। यदि बोगी कन्वेंशनल टाइप की है, कन्वेंशनल कहने का मतलब है कि इसकी जो ब्रेक सिलेंडर होती है वह बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। यदि वह कन्वेंशनल टाइप की हुई तो उसका जो डायमीटर होगा, ब्रेक सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वह होगा 14 इंच का, या फिर कहें कि 355 mm की। उसकी जो पिस्टन स्ट्रोक होगी वह होगी एम्प्टी कंडीशन में 100 ± 10 mm, और वेगन लोड कंडीशन में है तो उस समय इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होगा 110 ± 10 mm की। यदि उसमें BMBS टाइप की ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जा रही है, कहने का मतलब है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर उपयोग की जा रही है, तो उसका जो पिस्टन स्ट्रोक होगा वह होगा 54 mm की। अब हम बात कर लेते हैं बीओबी आर वेगन और बीओबी आर एन वेगन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो इसमें मुख्य रूप से जो अंतर है वह इसकी लंबाई में है। बीओबी आर वेगन की जो लंबाई है उसे घटाकर कम कर दी गई है। जो है बीओबी आर वेगन की जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक थी वह थी 10671 mm, और जो बीओबी आर एन की जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है वह है 9671 mm। बीओबी आर वेगन की जो लेंथ ओवर कपलर्स हैं वह है 11600 mm,
बी ओ बी आर एन वेगन की जो लेंथ ओवर कपलर्स है वह है 10,600 mm। यदि हम बात करें बी ओ बी आर वेगन की इनसाइड लेंथ की तो वह 8,732 mm। बी ओ बी आर एन वेगन की जो इनसाइड लेंथ है वह है 9,327 mm की। यदि हम बात करें इसके बोगी सेंटर की बीच की दूरी की, बी ओ बी आर वेगन की जो बोगी सेंटर की बीच की दूरी है वह है 7,571 mm। यदि हम बात करें बी ओ बी आर एन वेगन की बोगी सेंटर की बीच की दूरी की तो वह है 6,790 mm। बी ओ बी आर एन वेगन की जो इनसाइड हाइट है वह है 2,466 mm की। यदि हम बात करें इसकी ओवरऑल हाइट की तो वह है 3,755 mm की। यदि हम बात करें इसके सी बी सी फ्रॉम रेल लेवल तो वह है 1,105 mm की। अब हम बात कर लेते हैं बी ओ बी आर एन वेगन की वेट अरेंजमेंट के बारे में। कहने का मतलब है इसके टेयर वेट, पेलोड, इसके ग्रास वेट के बारे में बात करें इस वेगन की खाली में भार की तो वह होती है 25.61 टन की, जो होती है इसकी टेयर वेट। अब हम बात करते हैं इसके पेलोड की, कहने का मतलब है इसमें कितना गुड्स लोड किया जा सकता है तो वह है 55.67 टन। यदि हम बात करें इसकी ग्रॉस वेट की, कहने का मतलब है कि जो टेयर वेट है और जो पेलोड है दोनों को मिलाकर जो ग्रॉस वेट बनती है उसके बारे में तो वह होती है 81.28 टन। अब हम बात करते हैं बी ओ बी आर एन वेगन में जो बोगी उपयोग की जाती है उसके बारे में। बी ओ बी आर एन वेगन में जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कास्ट स्टील की कैसनप 22 NLB बोगी। यदि हम बात करें इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट की तो यदि हम बात करें इसके आउटर स्प्रिंग की संख्या की तो वह होती है 12, इनर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 8 और जो स्नबर स्प्रिंग की संख्या होती है वह होती है 4। अब हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की, जो होती है 70/75। एम्पटी कंडीशन में इसकी भी स्पीड होगी वह होगी 75 किलोमीटर प्रति आवर की और जो लोड कंडीशन में इसकी जो स्पीड होगी वह होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम बात करते हैं बी ओ बी आर एन वेगन की वेरिएंट्स की, तो वह है बी ओ बी आर एन एम वन वेगन, बी ओ बी आर एन एच एस वेगन, बी ओ बी आर एन एच एस एम वन वेगन, बी ओ बी आर एन ई एल वेगन। अब हम बात करते हैं बी ओ बी आर एन वेगन की अगले वेरिएंट की, जो है बी ओ बी आर एन एम वन। इसकी जो एक्सल लोड होती है वह होती है 22.32 टन और इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कैसनप 22 NLB बोगी, लेकिन वह होती है मॉडिफाइड टाइप की। इसमें जो स्प्रिंग अरेंजमेंट की गई है वह होती है आउटर स्प्रिंग की संख्या की बात करें तो वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की संख्या की बात करें तो वह होती है 10 और जो स्नबर स्प्रिंग होती है उसकी संख्या होती है 4। बी ओ बी आर एन एम वन वेगन की जो टेयर वेट होती है वह होती है 25.61 टन, इसकी जो पे लोड होती है वह होती है 63.67 टन और इसकी जो ग्रॉस वेट होती है वह होती है 89.28 टन। अब हम बात करते हैं उसके अगले वेरिएंट की, जो है बी ओ बी आर एन एच एस वेगन। तो इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कास्ट स्टील की कैस्टनप 22 HS बोगी। यदि हम बात करें इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की तो वह होती है 100/100। कहने का मतलब है कि लोड कंडीशन में हो या फिर एम्प्टी कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वह होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इस वेगन को हाई स्पीड वर्जन ऑफ बी ओ बी आर एन वेगन भी कहा जाता है। यदि हम बात करें इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट की तो इसमें जो आउटर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 12 और जो स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4। अब हम बात करते हैं इसकी टेयर वेट के बारे में, कहने का मतलब है इसकी खाली भार के बारे में। तो इस वेगन का खाली में जो वजन होता है, खाली में जो भार होता है वह होता है 25.61 टन की। इसका जो पेलोड होती है वह होती है 55.67 टन की। जो ग्रॉस वेट होती है वह होती है 81.28 टन की। अब हम बात करते हैं बी ओ बी आर एन वेगन की अगले वेरिएंट की, जो है बी ओ बी आर एन एच एस एम वन। इसकी जो एक्सल लोड होती है वह होती है 22.32 टन की। यदि हम बात करें इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की तो वह होती है 60/65। जब वेगन लोड कंडीशन में है तब उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की और जब वेगन
एम्प्टी कंडीशन में है, खाली कंडीशन में है, तब उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी 65 किलोमीटर प्रति आवर की। अब हम बात करते हैं इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट की। तो इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट में आउटर स्प्रिंग की जो संख्या है वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की संख्या है वह होती है 14, स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या है वह होती है 4। इसकी जो टेयर वेट होती है, खाली में भार होती है, वह होती है 25.61 टन। इसकी जो पेलोड होती है वह होती है 63.67 टन। इसकी जो ग्रॉस वेट होती है वह होती है 89.28 टन। अब हम बात करते हैं BOBRN वैगन की अगले वेरिएंट के बारे में, जो है BOBRN EL वैगन। यदि हम बात करें इसकी एक्सल लोड की तो वह होती है 25 टन की। इसकी जो स्प्रिंग अरेंजमेंट होती है वह होती है, कि स्प्रिंग अरेंजमेंट है वह है, आउटर स्प्रिंग की जो संख्या है वह होती है 12, इनर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 8, स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4। BOBRN EL वैगन की जो टेयर वेट होती है वह होती है 25.61 टन की। इसकी जो पेलोड होती है वह होती है 74.39 टन की। और इसकी जो ग्रॉस वेट होती है वह होती है 100 टन की। BOBRN वैगन की जो एक रेग में जो वैगन की संख्या होती है वह होती है 58। मुझे लगता है कि अब आपको BOBRN वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।